किस, किस बेटी, बेटी की, की रुख्सती रुख पे रुख 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 था टीपू भाई इतना काम किया इतना नाम मनाया क्या सिला मिला आपको कभी किसी प्रोड्यूसर ने पेमेंट रोकी हो ना दी हो कोई फ्रॉड किया हो कोई ऐसा गेम हो गया हो झगड़ा हो गया हो कोशिश तो बड़े बड़ों ने लेकिन मैं उनको जाके इस्लामियत पढ़ा देता हूँ अल्लाह से डरा देता हूँ झोली <laughs> <laughs> दे उठा था था। के पैसे घर आना कसम बाथरूम में फिसल के मरेगा तू अमृता सिंह के साथ आपने काम किया उसका क्या एक्सपीरियंस था वो मूवी कैसे मिली है जायदाद में आपको हिस्सा मिल चुका है या फंसा हुआ है या क्या जायदाद अगर अगर मकान का बंटवारा होगा तो बारह पंद्रह आएंगे तरीके से बता रहे ना यकीन कर रहे मेरे को तो लग रहा है दिल कर रहा है हजार रुपए में अपनी जेब से निकाल के दे दू अच्छा टीपू साहब अदाकारों में तो बात कर ही रहे हैं आप सियासी अदाकारों में किसको पसंद करते काफी मज़े मज़ेदार किस्म के कैरेक्टर है जैसे वेलकम टू कराची मैंने देखी उसकी स्क्रिप्टिंग और उसका कॉन्सेप्ट एंटी पाकिस्तान मूवी थी जिसमें पाकिस्तान को टेररिज्म से प्रमोट किया गया था पाकिस्तान का बैड इमेज दिखाया गया था और उसमें आपका मुख्य किरदार था अस्सलाम वालेकुम आदरस हजरात मैं हूं नादीर अली सेब केला खरबूजा चीकू लेकिन इनमें सब सबसे महंगा है टीपू बाँ बाँ बाँ, क्या, कहने। क्या हाल है टीपू कैसे दिन बा दिन आप वो अजीब बूढ़े होते जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कोई चीज ईजाद करने वाले है बूढ़े नहीं हो रहे मैं साइंसदान लगते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी कमाल क्या कहते हैं शुक्र बड़े बड़े लोगों के साथ मिल रहा हूँ पैसे दिए दिए भाई को पैसे <laughs> चा, चा, चा। यार जैसा रोल होता है अच्छा ये, ये रोल की रिक्वायरमेंट है, की है। हो, 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 हो। तो मुझसे वो जो है ना फेक दाढ़ी लगती तो नहीं अभी क्या फकीर का कोई करैक्टर क्या है फकीर का नहीं है ये एक समझ साइको किलर का रोल है हो अच्छा 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 मेथड एक्टिंग कर रहे हैं ऐसे हालात में करना लेकिन मैं अभी तक खड़ा हूँ लेकिन फकीर देखे आप माइंड नहीं किया मैंने आपको चेहरा देखा है क्योंकि उसमें आ... है। है। उस उस पक... मुश्किल तो नहीं आई है नहीं नहीं बिल्कुल दो हजार किए अच्छा क्या प्ले रहे थे फकीर बने हुए थे और काला वाला किया था मैंने नहीं करे

कपड़ों की भरी हुई हूँ आप कभी किसी के घर में पड़े हुए हैं कभी किसी घर में आज आप एक बंगलो के पोर्शन में रह रहे हो तो अल्लाह अल्लाह की आप किन किन नियमतों को से होगा गिले कर लिए अच्छा, क्या यार, ये बड़ी दिल से निकली बात दिल तक पहुंचती है Absolutely, और आप मतलब वो कहते हैं ना कामयाबी कामयाब जिंदगी गुजारने के दो असूल है न, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो या जो हासिल है उसे पसंद कर लो तो आप जो हासिल है वो पसंद कर चुके हैं उसको यार स्टिल द प्रोसेस क्योंकि आप, आपका क्या, क्या कहते हैं आप शुक्रगुजार हैं एक अलहदा बात है लेकिन आप आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं आप यू यू नेवर नेटिस मुझे लगता है कि वो जो फैज एम कि उस वक्त मुझे भटका देना जब मंजिल सामने आ जाए आ, तो हा, देर इज नो इज नो सेटिसफेक्शन ये मुझे वो नहीं रहा। है वाला सर किसी को निहारी खिलाग <laughs> आज तक तो मेरे दिमाग में सर सबसे देखिये अब मेरे मैम फिर वही कहता हूँ कि मुझे वो ये बहुत छेड़ते थे हाँ। तारी कर ले तारी कर ले तारी कर ले

चैटिंग का इसको शौक है नई नई चैटिंग आई है तो बोलते थे, जो पे जब MIRC 32 पे बैठते थे 26, और आपको पता है है कौन सामने है? कोई लड़का ही हाँ। तो 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 मेमोरी रिकॉल कर रहा हूँ उस जमाने में स्टार प्लस की तूती बोलती Absolutely, बिल्कुल ऐसे क्योंकि मुझे लोग देखते थे तो अब वो पाकिस्तान और इंडिया का उस जमाने में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उन लोगों ने सब चैनल बंद किए सोशल मीडिया था नहीं उस टाइम पे ये एक सिटकॉम आया जिसका नाम था सबसेट है लो बजटेड नई कास्ट कोई स्टार भी नहीं ऐसे और कोई लोकेशंस में भी कोई खातिर कोई पैसा खर्च नहीं किया हुआ और वो क्लिक होता है और उसमें आप हैं मानी हैं असवर हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं सलमा बिल्कुल बिल्कुल तो वो उसका ज़रा एक्सपीरियंस बताइए ये आइडिया कॉन्सेप्ट किसका था ये आपने जैसे बताया बड़ा बददिली से हम यू यूं करके कर देते थे लेकिन उसको अल्लाह ताला ने सुरखाब के पर लगाए कोई चक्कर ये मंसूर असफर के दोस्त हैं और मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं असफर ने मंसूर ने ये आइडिया डेवलप किया था कि वो सबसेटे बन गई पहले ये एक टेलीफिल्म थी देन असफर डिवेलप्ड इट इंटू ए सीरीज़ किसी और को यकीन हो ना हो असवर ने कहा टीपे हम ये कर देंगे अच्छा अश्व मेरा बास है वो कहता था हम ये कर देंगे मैं बॉस ये कर देंगे वो वो कहता था अश्व वो कर देंगे हम कहते थे वो कर देंगे तो अश्वर बास द लीडर एंड वी जस्ट फॉलोड हिम और फिर अश्वर और मानी का जब कोऑर्डिनेशन uh, हुआ है या कहते मिलाप हुआ है तो वो मिलाप ना बोले अच्छा, जब उनका थोड़ा लौंडेबाजी वाला माहौल लग के साथ दूर जुड़ जुड़, 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 जुड़ 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 से <laughs> एक दूसरे को जब हम सब ऐसे टीम इकट्ठे हुए हाँ मुझे लगता है जो सलमा हसन बात करती है कि हम अशोर भी यही बात करता है जब हम चारों इकट्ठे हो जाते हैं ना तो गेम है उसमें हाँ ये है और कोई नहीं लेना चाह रहा था इसे और हम लोग वी वही आर क्वाइट हम पी से नाराज़ से थे हमें लगता था कि जिस तरह की अदाकारी है कि शाम तले ज़िंदगी बैठते ही ट्रेन के सफ़र में मुझे याद आया था कि मैं तुमसे कल इसी वक्त मिला था वही भी एक टाइम था अब वक्त बदल चुका था हम चाहते थे कि वी शुड हैव ए डिफरेंट फ्लेवर सो वी वर डिफरेंट काइंड इट्स इट अ डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमर जैसे जो अबे तबे की लैंग्वेज है

भी तो बहुत अंधेरी वाली बात रहे उस जमाने में मेरा ख्याल है बकरे का किलो गोश आपको सत्तर अस्सी रुपए का आता था मेरा ख्याल है नहीं सौ डेढ़ सौ रुपये का अच्छा क्योंकि मुझे याद है जो बिरयानी की प्लेट थी ना वो चालीस रुपए की बाकी हाँ चिकन या बीफ चिकन सर

आप यकीन नहीं करेंगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ नाइनटी फाइव नाइन्टी सिक्स की मैं अपने घर में बाद में जाता था मैं फैसलाबाद से बाय, बाय ट्रेन आया हूँ तो मैं अपने घर नहीं जाऊँगा मैं उस बिरयानी सेंटर जाऊँगा पहले बिरयानी खाऊँगा फिर घर जाऊँगा भाई वाह 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 इस तरह की वो बिरयानी थी और उस वक्त में तकरीबन ठेले पी थी अदनान शाह टिपू साहब कभी किसी प्रोड्यूसर ने पेमेंट रोकी हो ना दी हो कोई फ्रॉड किया हो कोई ऐसा गेम फड्डा हो गया हो झगड़ा हो गया हो

मोहल्ले राजपूत भी सन शेख भी सन जट भी सन कि भी सन सन भी की कर दी तरले ही बड़े पाए सन तो तो उनको इतना कहते सर मिलेगा तो वो और फिर ये है कि कुछ काम भी जब आप अच्छा करते जब हिट हो जाते हैं आप तो फिर लोग भी रिगार्ड करते तो आपको वो नौबत नहीं आती शुरू शुरू में आई लेकिन चूंकि मैं भी जब मैं शो में नया नया आया था तो मैं थोड़ा सा था खड़ पाच किसान का थोड़ा सा हल्का सा मीटर औलादें हाँ, अच्छा, <coughs> अच्छा। तो अच्छी लगती हैं आपने पाकिस्तान में भी काम किया अभी आप जो बता रहे हैं बाजे फाड़े प्रोजेक्ट आपका चल रहा है कैसी तेरी खुद गर्जी बिल्कुल और उसमें आप शेरा का करेक्टर कर रहे हैं शेरू शेरू का करेक्टर कर रहे हैं और आवाम बहुत रिस्पांस दे रही है आपको शदीद। और शदीद बुखार हो रहा है क्या नहीं अच्छा शदीद। अच्छा शदीद मेरे का था। था। भी कहीं और जोड़ अच्छा दूसरे नंबर पे वो कहते हैं ना वी कैन चूज अवर फ्रेंड बट वी कॉन्ट चूज अवर नेबर आप अपने नेबर्स के पास गए और वहां पर भी काम किया आपने अरशद वारसी की एक फिल्म की वेलकम टू कराची उस पर एक सवाल बनता है मेरा वेलकम टू कराची मैंने देखी उसकी स्क्रिप्टिंग और उसका कॉन्सेप्ट ये एंटी पाकिस्तान मूवी थी जिसमें पाकिस्तान को टेररिज्म से प्रमोट किया गया था पाकिस्तान का बैड इमेज दिखाया गया था और उसमें आपका मर, मरकजी किरदार था आपको स्क्रिप्ट नहीं पढ़ाई थी या आप मतलब है ये चीज़ करने को तैयार हो गए थे नहीं, कि हाँ नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल आपको आपके स्टोरी का इतना हिस्सा मिला और अगर आप उसमें से लाइनें देखें जो मैंने बोली है आपने फिल्म तो देखी है जी 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 अब चूंकि जब आप उसमें आपने पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा होता उसके बाद तो हमें पता चल गया कि भाई जब भी पढ़ना है कि पूरा स्क्रिप्ट भी पूछना है तो मेरी उनसे पहले ये बात मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिससे मेरे मुल्क का मुल्क का इमेज खराब होता हो और जो मेरा कैरेक्टर भी है अगर उसको आपको देखे तो इसमें आपको कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी और फिर मुझे लगता है उसके अस... इन बिटवीन इन द लाइंस उसके ये भी था मैंने मैंने भी वो फिल्म देखी कि चाहे उधर से कोई बात करे सफाई की अमन की सुलह सफाई की या इधर से कि हम वी आर बीइंग यूज बाय तीसरी कुवत को हमें यूज कर रही है दोनों मुल्कों को और हम यूज होते जा रहे हैं और जो भी उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा वो पार... असल में टीपू साहब वो जब फिल्म मैंने देखी ना तो उसमें एक तो नेगेटिविटी नेगेटिव वाइब्स आई पाकिस्तान के लिए एज अ पाकिस्तानी मुझे वो लगी कि यार ये लोग ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कत्लो गारत है बंदूके हैं आपको सत्तर साल से सही सबक पढ़ाया जा रहा है की वो जो ये गलत उनके अभी तक फिल्म देखते हैं हम तो वो कहते हैं जनाब उनका कोई भी जैसे आपको ना तो हमें अभी भी यही कहते हैं जनाब आपस में दोनों बात करें ना हम आपस में कभी हमने एक दूसरे को वो, वो वो जनाव हमेशा वो वो, एक चीज टोपी टोपी। के घूम रहे कितने है? अच्छी बात है टोपी हम पहनते हैं और टोपी हमारा सर का ताज है लेकिन उनको ये लगता है कि पूरा पाकिस्तान इसी तरीके से जो बिक रहा होता है जो मंजन बिखरे ना जो चूरन हर जगह बिख रहे वही बेचा जा रहा है आपने इंडिया की बात हो रही है तो आपने सारा अली खान की अम्मी के साथ भी काम किया क्योंकि वो तो खैर आपके बेटों की बच्चियों के बराबर है तो जाहिर है अम्माओं पर कूदेंगे आप तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा सारा अली खान की अम्मा अमृता सिंह के साथ आपने काम किया अपने ज़माने में वो बड़े केक थी ऐसी बात नहीं है वो तो खैर पानी में पड़ी पड़ी सूझ गई है आजकल लेकिन उसका क्या एक्सपीरियंस था वो मूवी कैसे मिली है क्या तरीक़ेक यूज़ किया है जिससे आपको उसके ऑडिशन देना पड़ा था या क्या था वो पता है सारा वो तो ये था कि मेरे दोस्त है इरफान कीनी जो हदीका क्या के भाई हैं अच्छा और हदीका कीनी अपनी डील बनाने के लिए गए टी सीरीज इंडिया में मैं तो बात कर रहा हूँ दो की तो वर शोइंग द पिक्चर्स एकदम मेरी तस्वीर आई तो भट साहब ने पूछा कि ये लड़का कौन है तो लाल ने कहा आप ही से जानते आपने खामोश पानी नहीं देखी इससे चौबीस अवार्ड जीते हुए खामोश पानी कहते मैंने तो देखी हुई है अच्छा उस तस्वीर में मेरे लंबे लंबे बाल थे और क्लीन शेप था खामोश पानी में मेरे बाल लंबे थे और दाढ़ी थी वो दाढ़ी वाला लड़का जो मस्जिद में तकरीर करता है और इस लड़के को बोलो ये ऑडिशन देगा आके उसने कहा क्यों नहीं देगा आके तो आई केम टू इंडिया आई गेव द ऑडिशंस और पे जो 25-26 लोग देखे मैंने कहा यार मुझे तो नहीं मिलने वाला भाई मैं ऐसे इंडिया देखने आया हूँ खैर इंडिया में पहले भी थिएटर करने के बहाने देख चुका था लेकिन सिर्फ खाली पंजाब देखा कब का कौन सा सन है ये सन है 2007 2007 ठीक है तो वो जब ऑडिशन दिया तो सबसे आखिर में नंबर आया मेरा और सबसे पहले मैं आया था बट उसमें एक बड़ा कमाल का वाक्य हुआ मैं जब आया तो वहाँ पर ना बंदा ना बंदे की ज चलो देखते हैं अब मैं मंदिरों वंदरों को जगह को देखने शुरू हो गया हूँ इंडिया इंडिया सुना था बॉम्बे बॉम्बे सुना था मैं बॉम्बे पहुंच गया हूँ यार कैसे पहुंच गया इतने में एक मौसी आती है बूढ़ी सी मैं क्या <coughs> मौसी चाय मिलेगी मिलेगी क्यों नहीं मेरे दूध पत्ती मिलेगी और कहती बीस रुपये लूँगी मैं क्या बीस दे देंगे पंजाब से हो क्या मैंने कहा जी पंजाब से किस जगह से मैं कह यहाँ वाले पंजाब से नहीं पाकिस्तानी पंजाब से इतना मान्टी तेज़ होगी उन्होंने कहा क्या करने आए हम मैंने कहा वो फिल्म का ऑडिशन देने आया हूँ ये टी सीरीज अच्छा अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो मुझे नया चूल्हा लेके दोगे अच्छा ये वो बोल रही है माई माई बोल रही मैंने कहा बिल्कुल लेके दूंगा ढाई हजार रुपये का आता है मैंने कहा ले दूंगा तो पता नहीं जब उससे मिला ना तो मुझे लगा कि ये मुझे मिल जाएगा मेरी एक छठी हिंसने का कि मुझे मिल जाएगा लेकिन जाएगा। जब वो लोग आना शुरू हुए अब ये तो त्रिमूर्ति का विलन है अब ये तो लगान का विलन है अब ये तो उस फिल्म का फिल्म था तेजाब का अभी ये तो उसका है मैं कहाँ से हो सकता हूँ यार जिनको अपने यूं करके देखा हो वो मुझे अपना बिल्कुल छोटा सा लग रहा था बिल्कुल मैं नुक्कड़ में बैठा हुआ था मैं गया टीपू तुझे तो नहीं मिलता बेटा लेकिन जब मिला तो फिर मिला लेकिन उनके साथ काम करने का जो तजर्बा था दैट वाज ग्रेट यार और हम तो मुझे तो फैन मूवमेंट होता है लेकिन भाई चुप थे तो इसलिए भाई बहुत ही पीछे पीछे होके उसको चूल्हा दिलाया में तो भाई अगर तो सर अच्छा टीपू साहब स्कूल में भी आप एक्टर थे या नहीं सर मैं स्कूल में बिल्कुल ही बौंगा बच्चा था और शरारती बड़ा था पहले तीन चार पाँच चार साल तो पता नहीं चला उसके बाद जब होश आई तो मैं इतना शरारती था कि मुझे आज तक आप कुछ शायद बिलीव ना हो कि जिंदगी में कभी पढ़ाई की वजह से मार पढ़ी नहीं, नहीं। अपने बाप से पढ़ी और वो ऐसी पढ़ी या तो मैं मर भी सकता था बाप से मर भी सकता था इतना साहब ने बेरहमाना <laughs> तरीके से मुझे मारा स्कूल में कभी मारनी पड़ी शरारसी बहुत <laughs> गला गला क्या मेरे वालिद साहब ने तख्ती तोड़ी मेरे सर पे आप हंस रहे हैं तख्ती तोड़ी हाँ सर अच्छा इमला में बस मेरे को वो थोड़ा सी गलती हुई उन्होंने कहा तुझे तू तु, 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 बस फिर वो तो आप उठ के भागे थे नहीं 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 मैं नहीं भागा मैं भी उन्हीं का बेटा था मैंने कहा मार दें भागूंगा नहीं मैं, मैं ही मैं भी सकता था। इतना मारा है मुझे मारा बाकी अच्छा आप जो कह रहे हैं कि शरारती बच्चे थे आप तो मिसो को चौके मारना हम शरारत हम, तो, हम तो इतने खुशनसीब हाँ, हाँ। <laughs> थे नहीं कि मिसो पाइप स्कूल में आप पढ़े जो तो वो इन न किसी की मूछे बना दी खाली जिसकी मूचे हैंडल हुआ थी अच्छा आप पाइप स्कूल में पढ़े हम सॉकेट स्कूल में भी पढ़े खैर तो अब सिलसिला ये होता था हमने तो एक दफ़ा क्या किया खैर ये टीचर के साथ नहीं किया था हमने एक हमारे मुश्तर वो कौन सी एक वो होता है सॉरी मुताे पाकिस्तान का एक वो सब्जेक्ट होता था वो दिन में स्कूल जब स्टार्ट होता था तो वहीं से स्टार्ट होता था क्लास पहला पीरियड पहला पीरियड मुता पाकिस्तान <laughs> तो हमने क्या किया एक अब वो सर उठा रहे हैं ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए अचानक नीचे नीचे इसका हिस्सा आ गया ना तो पीछे से हाँ। स्टूडेंट सारे हंसने लग गए गा <laughs> तो की गालियां दी थी, थी। किसी ने अपनी माँ का रिश्ता रखा है यहाँ पे <laughs> तो कौन कौन सी शरारतें आपको लगता है टीपू साहब यार वो स्टिक होती थी हाँ अब पड़ी हुई है स्टिक ना एक जगह पे हाँ। उन्होंने एक खास जगह बनाई थी उसमें स्टिक रखी हुई थी ओके okay. तो मैंने स्टिक पड़ी होती ना उसको डाल उसके अंदर एल्फी डाल दी अब <laughs> परेशान हो गया वो, जो वो तो खींच रहे निकल ही <laughs> नहीं निकल ही नहीं सर फिर क्या कहते हैं पानी के चीजें गुब्बारे मार दिए पता नहीं क्या क्या, क्या कर दिया अच्छा हाँ फिर जिस टीचर ने छुट्टी नहीं दी या थोड़ा सा ज्यादा मारा तो उसको जैसे वो निकला बाहर तो खुद अंदर ही बैठे हुए थे कि हम पेशाकी ने अपने दोस्तों को रिसर्स पीरियड में चूँकि स्कूल के सामने रहते थे कि गुब्बारे ले ना खड़े होना और ठोक देना ठोक देना अच्छा तो आप कैसे बच्चे थे मतलब आपके पास जिम में पैसे होते थे उस वक़्त नहीं नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। पैसे ये सारे क्रिएटिव लोग ना जब लंच टाइम होता था ना तो सारे क्रिएटिव जितने होते थे वो भूखे होते थे और वो सब लंच लेकिन कर रहे पा, थे। बात की बात ना मैंने बनाने शुरू कर दी थे वो पैसे किस्सा बनाने शुरू किया कि हम लोग खेलते थे कंचे okay. पंजाबी में उसे कहते बंटे बंटे चिद्धी उसके बहुत छोटा होता है छोटे से तो मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मैंने कहा यार मेरे पास मुझे मिलते थे पंजाबी जो दस पैसे को कहते हैं बड्डा आना मुझे मिलता था बड्डा आना तो मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मैं यहाँ से लेके वहाँ तक जो है ना जितनी रेंज में मैक्सिमम दूर हो सकता है वहाँ तक भी मार लेता था तो अंधेरे में भी मार लेता था अच्छा तो बट लोग के बच्चे खेलते थे उसको इन्जॉय करने के लिए और मैं खेलता था इसको दिहाड़ी बनाने के लिए तो पाँच बीस बात के बाद फिर मेरे पास दो ढाई रुपये होते थे बल्कि मैं जीतने के बाद फिर अपने चार आने अपने बड़े भाई को दे दिए चार आने छोटी बहन को दे दिए कह रखो भाई गेम है बड़े भाई कहते देख मुझे खेलने दे आने तुझे मिल जाएंगे क्या बात है टीपू साहब कई चैनल्स ने आपको धुतकारा अब बहुत से चैनल्स ने आपको दमाद बनाया हुआ तो कैसा महसूस होता है कि, कि मतलब है, उस जमाने में भी अदनान शाह टीपू ही था कोई टीपू सुल्तान नहीं था या कोई और टीपू नहीं था अच्छा दो टीपू हैं फील्ड में जी जी आप टीपू नोकीले के नाम से जरा वो जरा प्रोमिनेंट हैं एक वो थोड़े गोरे से हैं भाई वो भी हैं और आप अदनान शाह टीपू हैं लेकिन लोग आपको टीपू के नाम से ही जानते हैं अदनान शाह पिछले जब से मेरी बच्चिया हुई है ना अच्छा माशा तो मैंने तब, तब से अदनान शाह को यूज, कर, यूज करना शुरू किया मैंने ताकि जाके जैसे रोशनी अदनान शाह तो ताकि उनको वो रेफरेंस मिले और आई मेक श्योर के पीपल शुड टेक दैट नई मैंने बोल 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 के बोल बोल के बोल बोल के इन तेरह सालों में

एक बड़ा भाई बैंक ऑफिसर है और अल्हम्दुलिल्लाह वी we आर वेल well ऑफ लेकिन वो स्टार्टेड विद स्क्रैच दैट्स व्हाट आई एम सेइंग आपने स्क्रैच से स्टार्ट लिया ना वाह 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 कहते वा। ना इतना भी मुयसर नहीं मैं में जितना कभी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में वही वाली बात है तो अदनान भाई किसी एक्टर से कभी सीन करते हुए फड्डा झगड़ा कोई लड़ाई कोई हाथापाई कोई ऐसी बाहर निकल मैं से हटके कोई बड़ा नहीं कैरियर तो जैसे आपसे बहस ये बड़ा होता है, हो, हो, है। बाजू शुरू के दिनों में बात अदाकारी होती थी जब रिहर्सली करती थी चेट जाता था रिहर्सल क्यों नहीं करते इस तरह की चीजें होती हैं अब जो है अल्लाह जिंदगी दे मेरे उत्तादी खान साहब वो कहते हैं बेटा तुम अपना काम करो तुम तुम क्या सेट पे

अदाकारी करूंगा, आपसे हंसूंगा आपसे खेलूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। नहीं नहीं ये ये है वैसे कि जो थोड़े से खुश शकल नहीं होते ना मैं जैसे मैं अपनी आप तो हम क्रिएटिव बहुत होते हैं हम अल्लाह ताला अगर ये एक चीज़ नहीं देता ऋतिक रोशन अली शक्ल ली थी तो फन दे दिया लाना पाटीकर वाला चलो ये, 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 ये चीज़ ऐड कर दी तुम्हारे ये आपके राय आपके अपने बारे में आप मुझ पर इम्पोज नहीं कर सकते मैं मुझे लगता है भी भी गुजार, भी मैं भी 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 मैं गुज़ारा है। ना मैंने है अभी। म, है? लेकिन अच्छे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं वो बंदे को खुद पे होना चाहिए यार क्या कहते हैं बंदा तो नवाजुद्दीन सदी की खुदकुशी कर लेता परेश ओमपुरी साहब को कभी काम ना मिलता अगर आप इनका जाते हैं डस्टन ऑफ मैन पाँच फुट दो चार इंच का आदमी है वो तो सड़क से पूछ चुका होता है सो इट्स द सेल्फ बिलीव और एक पॉइंट आता है कि कहते हैं वो और आ जाता है फिर आप अच्छा लगना शुरू होते हैं लोगों को इस फील्ड में ज्यादा जल्दी हिट लड़का होता है या लड़की होती है जो ऑब्जर्वेशन है वो तो मोस्टली लड़कियों की ही है लड़कियों की है हाँ। क्यों उनके पास ऐसा क्या है मेरा ख्याल है कि यार मे बी पीपल वॉन्ट टू सी मोर न्यू फेसेस नए चेहरे देखना चाहते हैं

हो गए हैं और रितिक रोशन गुड लुकिंग है वो हीरो हीरो है आप भी हीरो। आप कैसे हीरो आ गए उसने जवाब दिया बोला आपके गुड लुक्स जो है ना वो एक मिनट दो मिनट तक होता है बस सही गुड लुक्स नाउ व्हाट आप क्या करने वाले Absolutely. उसके बाद आप क्या करने वाले तो आपका टैलेंट शुरू होता है तो आप। वही बात है कि करने वाले क्या है गुड लुक एक प्लस पॉइंट है लेकिन सब कुछ नहीं है सब कुछ नहीं सर सब कुछ नहीं है और एक पॉइंट पे ऐसे आता है जैसे हमने भी खुद सबसे और अल्लाह ने जो इज्जत दी जो नवाजा वो जिसका जितना भी उसका शुक्र अदा करे कम तो फिर वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी सिलेक्शन हुई है आपको अल्लाह ने वो इल्म दिया हुआ है तो ये शक्ल वकल सब सेकेंडरी हो जाती है टिपू साहब इस फील्ड से ही आपकी जो अर्निंग है वो जुड़ी हुई है या सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ और भी चीजें आपने की प्लाट सलाट डाले हुए या चौबीस साल से डाला चोड़ी चोड़ी। साल से माशाला आपकी लगी भगी अमाउंट यहीं से ही आप निकाल माशाल्लाह माशा अल्लाह आपको इसमें बरकत दे और अल्लाह आपका भला करे शादी पे आते हैं, हैं।, माशारला। हैं। माशारला, माशार भाभी पे आते हैं माशाल्लाह आपकी चार शहजादिया है अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे और किस बेटी की रुख्सती सबकी सब सारे है कौन सी, कौन सी एक, एक इन चारों एक नहीं होती है आप, आपकी औलाद है सर जी जी तो आपकी जब कोई भी औलाद एक सेकेंड आपको पता है सबसे ज्यादा बिस्किस को करते हैं जो सामने नहीं होता जो सामने नहीं होता क्योंकि आप तो आप तो हर वक्त उनको देखना चाहते हो ना दे उसमें होता है ना टीपू साहब के नहीं मेरा मै, मैं, मैं, ये ज्यादा फेवरेट है छोटा नहीं, नहीं नहीं, नहीं, या जो बच्चे में सुनिएगा जो बच्चे में जिसमें थोड़ा सा कोई ऐब होता है या कोई हल्की सी कोई कमी होती है वो बच्चा जरा फेवरेट हो जाता है सर वो दिल के अंदर होता है लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पेरेंट्स कभी इसको एक्सप्रेस करते हैं वो इस तरह की चीजें अपने दिल में दबा के मर जाते हैं लेकिन वो कभी कहते नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर एक बेटी को कहूंगा कि मुझे खुशी बड़ी प्यारी है तो मन्नत को बुरा लग जाएगा अगर मैं कहूँगा रोशनी बहुत प्यारी है रोशनी मुझे बड़ी अजीज है तो ताबीर को बुरा लग जाएगा तो चारों एक ही उंगली है चारों किसी एक को भी चोट लगेगी तो खून वा जगह से निकलेगा क्या बात है भाई वाह 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 बहुत अच्छा तो वो बात तो समझ लें कि आपकी चार अटलरीज है ना जो चार दिल के बॉल्स हैं दिल हाजरा है और उसके बॉल्स है किसके साथ काम करना पसंद करते हैं अपना को एक्टर में नाम लें या को एक्ट्रेस में नाम लें आपका फेवरेट कि यार ये सामने होता है तो मुझे मजा आता है या ये नहीं होता तो मजा मतलब ये हो तो मजा नहीं आता दोनों बताते हैं <laughs> दोनों बताते हैं आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी फील्ड में पैसे काम के नहीं मिलते क्या सब पैसे काम के नहीं मिलते काम के नहीं मिलते सब्र के मिलते क्या बात है भाई क्या बात है ठीक है और मुझे एज ए प्रोफेशनल सलमान शाहिद रेहान शेख नुमान एजा साहब सुहेल अहमद कवि खान साहब उनसे बहुत कुछ हाउ टू बिहेव ऑन सेट सीखा बड़ा अच्छा लगता है जब वो सेट पे होते हैं फिर अगर मैं फीमेल अपनी सबसे अच्छी अच्छी बातें हमने कलेक्ट कर ली ऐसा ही है ऐसे ही सर कैन चूज कर ली यार इसकी अच्छी बात सलमा अच्छा हसन है खुवा में उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है देन आई वॉज वर्किंग विद अभी रिसेंटली मैं काम कर रहा था इनके साथ सानिया सद के साथ काम किया है मारिया आ, मस्ती हा, के हा, साथ काम किया है हमेशा बहुत अच्छा आता है आयशा ख़ान के साथ काम किया है तो एक वो जो होती है ना कहते हैं प्रोफेशनल बॉन्डिंग फिर नादिया अफगन उनके साथ काम किया तो बहुत अच्छा लगा कि मज़ा आता है कि पता चलता है कि भाई हेलो अब काम करना है बेटा काम काम करो एंड देर प्लेजेंट टू वर्क विद सही है नहीं नहीं सही है सही है सबसे ज़्यादा इंजॉय किस चीज़ पर करते हैं ड्रामा फिल्म थिएटर टी टीवी, क्या थिएटर करता कम हूँ लेकिन ज़्यादा सबसे ज्यादा इंजॉय मैंने थिएटर पे किया हाँ थिएटर जाना एक्ट्रेस मीडियम फीडबैक आता है ना ये ना हाँ वो हमने क्या कहते वो वो जो सच है ना वो क्योंकि थिएटर इज नॉट एक्सप्लेनेबल उसके बाद फिर फिल्म है फिर टी है अब वेब सीरीज भी होना शुरू हो गई उस पर भी बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि एटलीस्ट यू कैन एक्सप्रेस योर मोर आपको एक्सप्रेशन और मिला है वेब सीरीज से भी थोड़ा सा आपका एक्सप्रेशन का होराइजन है अच्छा वेब सीरीज़ कर रहे हैं वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं आपको बननी शुरू हुई है पाकिस्तान में हाँ बन रही है आहिस्ता अच्छा आहिस्ता तो थोड़ा सा बात को थोड़ा सा खुल के कहना शुरू हुआ है सही है नहीं नहीं क्रिएटिव तो देखिए जिस तरीके के आप माशा लुक्स आप रखते हैं और ये अभी आप करेक्टर में अभी मुझे ये बता रहे थे कि यार दो दिन बाद ना मैं गंजा हो रहा हूँ मैंने कहा वाकई वाले गंजे पकाया पोपर ट्रक के

मैंने भी लगाई मरतवा लगाई लेकिन मुझे बहुत उलझन होती है तो आ, मैं उस उलझन से बचने के लिए फिर मैंने कहा ये ख़ुद भी अपने लिए भी एक चैलेंज था क्योंकि जाहिर बात है हम सारी उम्र जवान तो नहीं रहेंगे अपना भी एक टेस्टर था हाउ आई एम आई कम्फर्टेबल विद डेट हाउ डू आई लुक एक्सेप्टेंस अपने लिए अपनी क्या है एक्सेप्टेंस अपने लिए अपनी क्या है तो वो भी एक इम्तहान से गुजरा मैंने कहा ठीक है यार इस तरह भी गुजारा हो रहा है और फिर किरदार भी अच्छे मिल रहे हैं माशा तो वो है फिर मुझे होता है कि यार जितना रियल हो सके किरदार उतना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है ताकि कम अज़ कम कभ, अगर आप अपने आप को ही सरप्राइज़ नहीं करते अगर आप अपने आप कोई रियल नहीं लगते तो दूसरे को रियल कैसे लगेंगे क्या बात है वाह 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 अच्छा टीपू साहब अदाकारों में तो बात कर ही रहे हैं हम सियासी अदाकारों में किस को पसंद करते हैं काफ़ी मज़े मज़ेदार किस्म के करेक्टर हैं जैसे मौलाना फजलरहमान है शेख रशीद है

वो मेहनत से पाया या नसीब से पाया मेरा ख्याल है नसीबों की हांडी को मेहनत की हांडी को नसीबों के तड़के ने जाग लगाया अच्छा मेहनत की हंडिया को नसीबों के तड़के ने जाग लगाया तो ये हंडिया बन गई वो कहते हैं ना कि अल्लाह आपका भला करे नसीब में हो सकता है ये हो कि आप मेहनत करोगे तो ये मिलेगा बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही बाकी मेहनत की जहाँ तक ये दूध पत्ती है ये अलग अलग चीज है ये नसीब ही सिर्फ नहीं है और मेहनत ही सिर्फ नहीं है ये दूध पत्ती है जोड़ोगे तो कुछ बनेगा बिल्कुल ऐसा ये मेहनत तो गधा भी करता है बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्शन नहीं है ना उसकी सिमत नहीं है वो करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है जानवरों में मेरे ख्याल सबसे ज्यादा मेहनती ही गधा है सर मैं आपकी ना एक फलसफा फलसफा क्या है मेरे ख्याल शायद आप भी इस बात से आगा करें यो थॉट बिकम योर वर्ड्स योर वर्ड्स become your actions yes your actions become your habit hmm. your habit become your character and your character decides your destiny that's what i believe kya <laughs> adnan <laughs> फेवरेट आर्टिस्टों में से Thank एक आर्टिस्ट That's है kind of और आज आपके साथ पॉडकास्ट की और बड़ा मज़ा आया बड़े टाइम से हम आपको बुला रहे थे लेकिन आप मसरूफ थे आप टाइम ही नहीं दे रहे मेरी थे। मेरी मेरी मेरी, मेरी, मेरी कोताही मेरी क्या कहते हैं मैं आपका ईमानदारी की बात है द वे यू वेलकम मी एंड द वे यू आर द वे यू हैव अचीव इट आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड आई रियली रिस्पेक्ट वच यू माई ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया माज़ खीनों हजरात इस पॉडकास्ट को अख्तमाम करेंगे इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दीजिए इजाज़त अदनान शाह टीपू को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफि